सब्जी मंडी, ये एक सब्जी मंडी है। अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग सब्जी बेचने आते हैं, अलग अलग सब्जियां बेचे करते हैं। एक बार विक्की दादा नाम का खूब सोना पहनकर सब्जी मार्केट में आया। सब्जी वाले, आइए साहब आइए, ताजी सब्जी लीजिए, आइए साहब आइए, पुकार रहे थे। तब विक्की दादा एक सब्जी वाले के पास जाकर, बताओ सब्जी कितने की दी, पूछा। सब्जी वाला, आपको क्या चाहिए साहब, टमाटर, आलू, भिंडी, पनीर, पूछा। दादा, 10 किलो टमाटर कितने का दोगे, सब्जी वाला। 10 किलो, लगता है ये कोई अमीर इंसान है, अच्छा ग्राहक मिला है। हाँ, 1 किलो टमाटर 100 रुपए का साहब, कहा दादा। 1 किलो टमाटर सिर्फ 100 रुपए का, अरे वाह, ये तो बहुत कम है। ठीक है, तो एक काम करो, 10 किलो दे दो। वैसे आलू कितने का है, सब्जी वाला। आलू 1 किलो 50 रुपए का साहब, कितना किलो दे दूं? दादा, एक काम करो, वो पूरी पट्टी चाहिए, कितने का होगा भाई, पूछा सब्जी वाला। कुछ 20-25 किलो होंगे साहब, पूरा दे दूं? दादा, हाँ एक काम करो, 2 पट्टी दे दो। पास सब्जी वाले, साहब साहब हमारे पास से भी सब्जी लीजिए ना साहब, ऐसा बुलाने लगे। विक्की दादा दूसरे सब्जी वाले के पास गया और वो, साहब आपके आने से मेरे ठेले की शान बढ़ गई है, कहिए क्या चाहिए साहब। दादा, मशरूम मुझे खूब पसंद है, तुम्हारे पास है, पूछा वो। कितने पैकेट चाहिए साहब, 10 या 20? दादा, मुझे 10 बोरी मशरूम चाहिए, सब्जी वाला। 10 बोरी, कह कर खुशी से नाचने लगा। इस तरह दादा हर सब्जी वाले के पास जाकर बट्टी बट्टी सब्जी खरीदने लगा। वे सब बड़े खुश हुए और विक्की दादा को फूलों की माला पहनाकर पूरी सब्जियां ट्रैक्टर पे रख दिया और उन्हें बोला, साहब आप हमेशा हमारे मार्केट आते रहिए साहब। दादा, ठीक है कहकर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गया। अगले दिन सारे सब्जी वाले मिलकर बैंक में पैसे डिपॉजिट करने गए तो वहां का मैनेजर, भाई ये सब तो नकली नोट है, यहाँ नहीं चलते, किसने आप सबको बेवकूफ बनाया है। ये सब सुनकर सारे सब्जी वाले अपना सर पकड़ लिए और बोले, हे भगवान। कई साल पहले परमेश नाम का रिटायर्ड क्लर्क हुआ करता था, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। परमेश रिटायर होने के बाद जो प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले कहीं खत्म ना हो जाए सोचकर उन्हें हाथ तक नहीं लगाता था, पेंशन में आए पैसों से ही घर चलाता था। एक दिन उसका बेटा, पिताजी हर दिन कॉलेज रिक्शा में जाना अजीब लगता है, अब छोटा बच्चा थोड़ी हूँ ना रोज रिक्शा में भेजते हो, मुझे 2-व्हीलर पे जाना है पिताजी। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारा कहने तक पता ही नहीं चला कि तुम बड़े हो गए हो, ठीक है तुम्हें 2-व्हीलर पे जाना है ना, उतना ही ना, कहा। हुर्रे, कल नया गाड़ी आएगी, कहकर नाचने लगा। अगले दिन सुबह बेटा, पिताजी मैं तैयार हूँ, 2-व्हीलर कहाँ है, ये अभी तक नहीं आया, कहकर रात देखने लगा। कौन पिताजी, शोरूम का मैनेजर आ रहा है क्या? नहीं योगानंद, अरे वही गली में मच्छर मारने वाला, उसके पास एक 2-व्हीलर है, रात भर उसे पूछता रहा तो आखिरकार तुम्हें पीछे बिठा के लेके जाने के लिए तैयार हुआ। क्या, मच्छर मारने वाले की गाड़ी पे मैं कॉलेज जाऊँ? इतने में योगानंद वहाँ आया। परमेश अपने बेटे को पीछे बिठा कर, बेटा रास्ते में अगर कोई मच्छर दिखे तो योगानंद का मदद करना, ये लो ये शूटिंग एम जैसा है, हिट द मस्किटोस नाम का गेम है समझो, बस मच्छर दिखते कि ये बटन दबा देना, फिर सारे मच्छर मर जाएंगे। क्यों, हंसते खेलते खुशी से कॉलेज जा सकते हो। बेटा वो बातें सुनकर दंग रह गया। एक बार परमेश की बेटी आकर, पिताजी स्कूल में मुझे सब छेड़ते हैं, कम से कम कोई ऑटो से तो बात कर लीजिए पिताजी, स्कूल बस में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बेटी, तुम्हें स्पेशल तरीके से लेके जाऊंगा, ठीक है। अगले दिन सुबह पीपीप पीपीप करते हुए एक कचरा ऑटो आया। परमेश भाई देर हो रही है, जल्दी आइए। हाँ बस मेरी बेटी आ रही है। पिताजी ये क्या, मुझे कचरे वाले ऑटो में भेजोगे? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें ऑटो ही तो मांगा है, बहुत ज्यादा निवेदन करने से महीने का 50 रुपए ही मांगा है, रोज तुम्हें स्कूल तक छोड़ देगा, इसके रोज के रास्ते के बीच में ही पड़ता है, और तो और अगर तुम रोज ये ऑटो से उतरोगी
टीजिंग क्या, कोई यू टीजिंग भी नहीं कर सकता, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। कहकर बेटी को कच्चे वाले ट्रक में स्कूल तक भेजा। एक दिन परमेश की तबीयत बिगड़ने से वो अपने बेटे बेटी को बुलाकर, हे भगवान, बुखार हो गया है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर को बुलाओ, कहा। कुछ समय बाद वो जाकर एक भूत वैद्य को लेकर आए। पिताजी ये देखिए, वैद्य को लेकर आए। भूत वैद्य, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। यूं डरावने तरीके से चिल्लाकर उसे पीटने लगा। बाप रे, मुझसे ना हो पाएगा, इसे तो देख के ही डर लग रहा है। मैं वैद्य लाने कहा था, तू तो भूत वैद्य क्यों लाया? दोनों वैद्य है ना पिताजी? हाँ पिताजी, डॉक्टर तो 300 रुपए मांग रहा था और ये भूत वैद्य सिर्फ 50 रुपए। तब परमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करने लगा। बेटे के लिए एक नया 2-व्हीलर खरीदा और बेटी के लिए एक ऑटो देखकर रोज स्कूल ड्रॉप करवाने लगा। कई साल पहले चामंडी नाम के गांव में सुप्रिया नाम का ढाबा हुआ करता था। वो सुप्रिया नाम के आदमी का खुद का ढाबा था। उस ढाबे पर बटर चिकन काफी मशहूर था। एक दिन सुप्रिया, अरे छोटू, बटर चिकन लेके आना, तुम्हें रोज बोलना पड़ता है क्या? छोटू बटर चिकन लेकर आया। अरे वाह, क्या बटर चिकन बनाया है, अगर रोज तुम्हारे हाथ का बटर चिकन ना खाऊं तो रात को नींद नहीं आती। एक दिन सुप्रिया अपने पत्नी के साथ बुलेट पर जा रहा था, तब एक मार्केटिंग कर्मचारी स्कूटर पर उनका पीछा कर रहा था। सर सर रुकिए, सर रुकिए, सर प्लीज सर सर रुकिए, चिल्ला रहा था। सुप्रिया बुलेट को रोककर, कौन हो तुम, इतने देर से पीछा क्यों कर रहे हो? सर मेरा नाम अशोक है, मैं हेल्थ एंड वेल्थ कंपनी का मार्केटिंग एजेंट हूँ। हमारे कंपनी ने एक वेट लॉस प्रोग्राम लॉन्च किया है, वही बताने के लिए आपका पीछा कर रहा था सर। वो सुनकर, क्यों बे, इतने लोगों में एक बकरा मैं ही तुम्हें मिलाऊं, और तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं मोटा हूँ, कहकर गुस्से से उस पर हाथ उठाने लगा। तब सुप्रिया की पत्नी मल्लिका, रुकिए जी, ये आपके भले के लिए तो कह रहा है, सुन तो लीजिए कि क्या प्रोग्राम है, कहकर, हाँ भाई आप कहिए, कहकर सब सुना। थैंक यू मैडम, सर के पतले होने के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं, ये लीजिए। हमारे दिए हुए डाइट प्लान और प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से 45 दिनों में 16 केजी कम हो सकते हैं। हैं? ठीक है ठीक है, प्रोडक्ट्स दे दो, कहकर पैसे देकर प्रोडक्ट्स खरीदे। अरे क्यों, इन सब की क्या जरूरत है? अरे क्यों की क्या बात है जी, कभी शीशे में देखे हो कि कैसे बढ़ते जा रहे हो? अब बस मैं आपके हेल्थ के मामले में बहुत सख्ती से व्यवहार करूंगी। अगले दिन नाश्ते के समय सुप्रिया, मल्लिका मल्लिका जल्दी आओ, अरे भाई भूख लगी है। मल्लिका एक प्लेट में गाजर रख कर, ये लीजिए आज सिर्फ वेजिटेबल्स, कहकर एक गाजर दिया। सुप्रिया उस गाजर को पकड़कर, अरे एक गाजर से मेरा पेट क्या भरेगा, कहकर वहां से ढाबा के लिए निकल गया। ढाबा पर छोटू, सर ये लीजिए बटर चिकन, खा के बताइए कैसे बना है। ओहो बटर चिकन, आज तो जब तक मेरा पेट ना फूट जाए मैं खाते ही रहूंगा, कहकर बस निवाला लेने ही वाला था कि, ओ जी क्या कर रहे हो आप, कहते हुए एक आवाज सुनाई पड़ी। लो आ गई मेरी बीवी। क्या कर रहे हो जी, आपने मुझसे क्या वादा किया था? अरे छोटू आज से सर को चिकन मटन देना सब बंद, ये डाइट पर है समझे। उस रात नींद में सुप्रिया को बटर चिकन, चिकन फ्राई, चिकन 65 सपने में दिख रहा था। अचानक जागकर, छी क्या जिंदगी है, बटर चिकन, चिकन 65 सब सपने में ही खाना पड़ रहा है, सोचने लगा। इतने में खिड़की से छोटू, सर सर बटर चिकन लेके आया हूँ, खाकर बताइए कैसे बना है, कहकर एक पैकेट को खिड़की से उसे दिया। छोटू तुम मेरे लिए बटर चिकन लेके आए हो, इतनी रात गए, तुम वाकई मेरे बटर चिकन जिगरी हो, कहकर बटर चिकन खा लिया।
वैसे हर दिन सुप्रिया छोटू के लाए बटर चिकन को चुपचाप खाने लगा। एक बार मलिका ने सुप्रिया को बटर चिकन खाते हुए देख लिया, तब मलिका मन में, हाय भगवान ये ऐसे नहीं सुधरेंगे सोचकर, क्यों जी क्या खा रहे हो मुझे भी दो, कहकर उस प्लेट को लेकर बटर चिकन खाया। अब्बा बटर चिकन क्या मस्त बना है, कहकर पूरा प्लेट खा लिया। अगले दिन भी ढाबा पर आकर, ओ जी एक बटर चिकन कहिए ना, कहकर फिर से पूरा बटर चिकन फिर खा लिया। ऐसे मलिका जहाँ मिले वहाँ बटर चिकन खा खा कर मोटी होने लगी। ये सब देखकर सुप्रिया, हे भगवान इसको अभी नहीं रोका तो ये मोटी होती जाएगी, कुछ तो करना ही होगा, सोचकर मलिका के पास आकर, मलिका ये तुम क्या कर रही हो, रोज बटर चिकन खाना तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है ना? क्यों रोज चोर की तरह चुपचाप आप जो बटर चिकन खाते हो वो कुछ नहीं, मैं खाऊं तो हेल्थ की बात हो गई। ठीक है कल से हम दोनों डैड को फॉलो करेंगे, ठीक है? पति के कहते ही मल्लिका मन में अब रास्ते पर आए। उस दिन से मल्लिका सुप्रिया सही डाइट फॉलो करने लगे।